अभी बरसात का सीज़न आ गया है, गर्मियों में हमारे रोज़ प्लांट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अटेंड किया है, और ये जो मौसम होता है मॉनसून का सीज़न जो होता है वो हमारे प्लांट्स के रिवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको कुछ स्टेप्स अपने पौधों के साथ कर देने चाहिए, नर्सरी वाले करते हैं, जो जिससे कि हमारे पौधे जो होते हैं विंटर्स में जाके कुछ दिन बाद जाके बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, उनके बर्ड्स ड्रॉप नहीं होंगे, जो पत्तियों में पीलापन आ गया था गर्मियों के कारण, हीट के कारण, एक्स्ट्रा हीट के कारण, वो आपके हरे भरे हो जाएंगे पौधे, नर्सरी वाले करते हैं। तो मैं कुछ आपको नर्सरियों के स्टेप बता रही हूँ जो नर्सरी में अपनाया जाता है, जिससे कि आपके फ्लावर का साइज़ बढ़ेगा, साथ में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग भी होगी आपके पौधों में। और मैं ये स्टेप्स फॉलो करती हूँ, नर्सरी वाले ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो कुछ ये स्टेप्स हैं जो कि अभी आपको रेनी सीजन में कर देना चाहिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हीट अभी टॉलरेट किए हैं हमारे पौधों ने, छोटे छोटे फ्लावर्स आ गए। जैसे अगर आप ये फ्लावर्स का साइज़ देखेंगे तो इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये आपकी सूख गई है, और फ्लावर्स की जो साइज़ है वो भी छोटी छोटी आ गई है। तो अभी मैं आपको कुछ 5-6 ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ, अगर आपने रोज़ प्लांट्स रखा है तो ये 5-6 स्टेप्स ज़रूर देखिएगा, नर्सरी वाले ये करते हैं, और आपके पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे इससे। और अभी वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मानसून के सीज़न में अपने पौधों को कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, खाना पानी देते हैं, जैसे हमको चाहिए होता है इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए, खाना पानी चाहिए अच्छा तंदुरुस्त रहने के लिए, इनको भी खाना पानी चाहिए होता है, ये भी लिविंग थिंग है और इनको भी खाना पानी चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले हमको पहला काम जो करना है प्रूनिंग कर देना है। यहाँ पर मैं प्रूनिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आपको जितने भी डेड ब्रांचेस हैं, गर्मियों में जितनी भी ब्रांचेस उग गई हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस उग गई हैं, उनको आपको कट कर देना है, क्योंकि हेल्दी ब्रांचेस नहीं है, और अभी मॉनसून के सीज़न में उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो हम नहीं चाहते कि हमारी पुराना ब्रांचेस रहे। और जितने भी डेड फ्लावर्स हैं उनको भी हटा देना है, लीव्स हटा देनी है, बहुत सारी एक्स्ट्रा लीव्स हटा देनी है, ज़्यादा लीव्स ही हमको नहीं रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे फ्लावर्स लीव्स, और जितनी भी ब्रांचेस है सबको प्रूनिंग कर देना। प्रूनिंग बहुत एसेंशियल स्टेप है बहुत सारी ब्लूमिंग के लिए। तो चलिए मैं प्रूनिंग करती हूँ और आप वीडियो देखिए। तो सबसे पहला काम हमको प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, शाम के 8 बजे तक मेरी प्रूनिंग चल रही थी। और सेकंड स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड स्टेप हमको करना है, हमको अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। साथ में आपको जितने भी घास फूस लगे हैं, गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको साफ़ सुथरा नीट क्लीन प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके आजू बाजू अगर कुछ भी पौधा लगा रहता है तो उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे स्टेम को भी काट दिए जो कि यूज़लेस होती हैं, 7 पत्तियाँ वाली, और अच्छे से गुड़ाई कर देना है मिट्टी को एकदम। गुड़ाई करने से फ़ायदा ये रहता है कि जितनी भी फंगस वंगस भी रहती है वो भी हट जाती है, थोड़ा एयर मिल जाता है। गुड़ाई करके आपको 2 दिन रख देना है, और मिट्टी अंदर से पूरे अच्छे से गुड़ाई कर देनी है, सारे जितनी भी घास फूस उगा है, चाहे एक्स्ट्रा पौधा भी जो है, रोज़ को एकदम अकेले रहना पसंद है गमले में, और किसी के साथ मत लगाइए, ना विंका कुछ भी मत लगाइए। और थर्ड अब मैं बता रही हूँ, थर्ड स्टेप है कि आपको इसको बहुत सारे अब थोड़ा खाना पानी दे दीजिए, जब मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई हो जाए तब उसमें। यहाँ पर मैं दे रही हूँ सरसों खली। सरसों खली को आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, इसकी एक वीडियो है। और ये है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट क्या करता है कि आपकी रूट्स जो होती हैं और प्लांट को बुशी बनाता है, और जितना भी स्ट्रेस में आता है जैसे जड़वर खुद आ गई होगी उसके लिए बहुत अच्छा है। इप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है। उसके बाद आपको दे देना है पोटैश। पोटैश क्या करता है, ब्लूमिंग कराता है बहुत अच्छे से आपके पौधे, जो ब्लूमिंग आपके फूल नहीं खिल रहे हैं उसको अगर आपको ब्लूमिंग अच्छे से कराना है तो आपको पोटैश डाल देना चाहिए। उसके साथ मैं कुछ थोड़ा भी बरसात है तो मैं कुछ थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दे रही हूँ, आपको फंगीसाइड डाल देना है। इसके फंगीसाइड का एक और ऑप्शन होता है, आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लकड़ी राख भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी फंगीसाइड का काम करता है। तो ये कुछ आपको खाद पानी दे देना है तीसरा स्टेप में आपको, और उसके बाद खाद देने के बाद बहुत अच्छे से इसको हिला देना, पूरा मिला देना है, एक जगह पे नहीं रखना है, मिला के रख देना है,
और उसके बाद आपको दे देना है थोड़ा सा पानी, कि ज़्यादा पानी नहीं देना है कि वो नीचे से निकल जाए, पानी दे देना है। और फिर फिफ्थ स्टेप ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से आप उसको धूप लगाइए। रोज़ का सबसे अच्छा है कि इसको धूप बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।